भाभी है तुम्हारी। थोड़ा सा लेट हो गई ना। कोई बात नहीं, इनमें तो चलता थोड़ा बहुत। चले ठीक है, चलो ओके चलते हैं। भीगी भीगी रातों में फिर तुम आओ ना, ओ ऐसे बरसातों में आओ ना, हो ऐसे बरसातों में। हाय संसरी, हाय डियर, आ जाओ आगे बेटा। आ बेटा मेरे पास आ जाओ, बैठो। कैसा रहा आज का दिन? बहुत ही बढ़िया। बहुत बढ़िया, एक गुड न्यूज, उससे भी बढ़िया तेरे लिए। क्या? एक बहुत ही अच्छी फैमिली से रिश्ता आया तेरे लिए। रानी बनाकर रखेंगे रानी। मम्मी मैंने आपसे कितनी बार बोला है कि मुझे शादी नहीं करनी, और अगर करूंगी ना तो सिर्फ संजू से ही करूंगी। हम दोनों दूसरे से प्यार करते हैं। बेटे सुनो, एक बार सिर्फ मेरे कहने पे एक बार उस लड़के और उसकी फैमिली से मिल लो। मम्मा मुझे किसी से नहीं मिलना, मैं शादी सिर्फ संजू से करना चाहती हूँ, और सही टाइम आने पे आप उसके घर वालों से बात कर लेना। तब तक मुझे ना किसी से शादी नहीं करनी, ये रिश्ते विश्ते छोड़ो यार, मुझे नहीं करनी बस। वैसे तुम्हारे घर वालों को इतनी जल्दी क्या तुम्हारी शादी की? मम्मी बोल रही थी कि लड़का अच्छे घर से है, मैं रानी बन के रहूंगी, तो इसलिए बोल रही थी कि कर ले शादी। पता लेना शादी इतनी अच्छी फैमिली से तो कर ले रानी। तुम बोलोगे तो कर लेती हूँ, मैं तो बस इसलिए नहीं कर रही थी कि फिर तुम देवदास बन के रोते फिरते रहोगे, वो चीज मुझे अच्छी नहीं लगेगी। मतलब यहाँ भी मजा, कभी सीरियस होना ही नहीं लाइफ। सीरियस होकर क्या करूँ जब मुझे पता है कि मुझे शादी ही नहीं करनी। मुझे बस ये पता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और अगर मेरी तुमसे शादी हो जाए तो उससे अच्छी मेरे लिए कोई चीज है ही नहीं। अच्छा जी हाँ। बेटा लड़की बहुत अच्छी है, संस्कारी है, तुम दोनों एक बार एक दूसरे से मिल लो, फिर हम बात आगे बढ़ाते हैं। बाबा मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ, मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता। यार इस लड़की से शादी नहीं कर सकता, कौन है वो, किस कास्ट की है? मेरे साथ मेरे कॉलेज में ही पढ़ती है, लेकिन हमारी कास्ट की नहीं है। हमारी कास्ट की नहीं है? देख बेटा मैं तेरी शादी किसी और कास्ट में नहीं करा सकता, हमारे घरों में ऐसा नहीं चलता। आप एक बार उनसे मिल तो लो, देख तो लो, क्या पता आप लोगों को पसंद आ जाए। क्या पसंद आ जाए, बता दिया ना, तेरी शादी वहीं होगी जहाँ हम चाहेंगे। एक बार देख तो लो। चल दिखा। ये इसकी ड्रेस ही बता रही है, इसके संस्कार तो हमारे संस्कार से मिल ही नहीं सकते। समझो नहीं, ये शादी नहीं होगी,
शादी वहीं होगी जहां हमारे संस्कार की लड़की मिलेगी, ठीक है? बार बार मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं है। तुम तो बोल रहे थे कि दो तीन दिन खाना नहीं खाओगे तो घर वाले मान जाएंगे, अब क्या हुआ? अरे मान जाएंगे यार, थोड़ा सब्र तो रखो। तुम एक काम करना, मुझे अपनी जन्म कुंडली दे देना एक बार। अब कुंडली का क्या करोगे? अरे मेरे पापा थोड़े पुराने ख्यालात के हैं, तुम्हारी और मेरी कुंडली पंडित को दिखाएंगे और देखेंगे कितने गुण मिलते हैं। ये क्या उल्टी सीधी बातें करने लग गए हो संजू? तुम मैं तुम्हें जो बोल रहा हूँ वो करते रहो और मुझे दे देना बस। ठीक है। मैंने बहुत सोचा था, घर वालों को बहुत समझाया, पर यार हमारी एक भी चीज तो नहीं मिल रही थी। क्या नहीं मिल रहा था संजू? यार देखो, मेरे घर वालों को एक संस्कारी लड़की चाहिए, मुझे तुम्हारी तरह मॉडर्न लड़की नहीं पसंद। तुझे तो पसंद हूँ ना संजू, पहले कितना खुश होता था मुझे ऐसे देख के, अपने दोस्तों को कितनी प्राउडली बताता था कि मैं हूँ उनकी भाभी। और अगर मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ इसका मतलब मैं संस्कारी नहीं हूँ? अगर कोई लड़की ऐसे कपड़े पहनती है इसका मतलब घरेलू नहीं है क्या? क्या किसी कपड़े उसको संस्कारी बनाते हैं? क्या संजू अब तुमसे प्यार नहीं करते? प्यार में तुम्हें आज भी बहुत करता हूँ। फिर क्यों कर रहे हो ऐसा? अगर मुझे कुछ नहीं आता तो मैं सीख लूंगी। क्या करना है, क्या करना है, मैं करके दिखाऊंगी। संजू मैं तेरी पसंद हूँ, एक बार भरोसा कर अपनी पसंद पर। यार कैसी बच्चों वाली बात कर रहे हो, अब सीखने सिखाने वाला टाइम नहीं है। कास्ट मिला है, कास्ट नहीं मिल रही, कुंडली नहीं मिल रही, घर वाले नहीं मान रहे, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है अब। संजू अगर मन भर गया है तो नजर से नजर मिलाकर बोल कि मन भर गया है, यूं मेरी कमियां मत गिनवा। ये समाज कुंडली जात पात के बहाने मत बता। जो तुझे आज मेरी कमियां दिख रही है ना, कल को वही सब चीजें तुझे पसंद थी मेरी। यार अब हमारी सगाई हो गई है, अब मैं सगाई तोड़ के अपने घर वालों की और लड़की के घर वालों की बेइज्जती नहीं कराने जाता। मैं तुझे आज भी बहुत प्यार करता हूँ, ऐसे मेरे प्यार पे शक मत कर। शक ना करूं? मुझसे प्यार करने से पहले अपने घर वालों से क्यों नहीं पूछा? जब मुझे घुमाने ले जाते थे, मुझे गिफ्ट देते थे, तब अपने घर वालों को क्यों नहीं बताया? मुझसे प्यार करने से पहले कुंडली जात पात धर्म ये सब कुछ क्यों नहीं मिलाए? तुझे लगता है कि मैं घर परिवार समाज जिम्मेदारियां ये सब कुछ नहीं निभा सकती? सच तो ये है संजू कि तू ही मुझसे शादी नहीं करना चाहता। सुना है कि दहेज में बहुत कुछ मिल रहा है, बड़ी गाड़ी, ढेर सारा सोना और भी बहुत कुछ। सही है, एक के साथ शादी का वादा करके मजे लो, दूसरी के साथ शादी करके। और अब मैं तुम्हें ना शादी के लिए फोर्स करके अपने प्यार की बेइज्जती नहीं करवानी चाहती। और क्या कहता था तू कि तू मेरे बिना नहीं जी पाएगा? जा रही हूं मैं और देखती थी और कितने दिन से जिंदा रहता है। और हाँ, शादी के बाद जब बच्चा पैदा करो ना तो एक बार घर परिवार पंडित समाज इन सब से पूछ लेना, कहीं फिर तुम्हारे घर वाले बोले कि बच्चा संस्कारी पैदा नहीं हुआ। दोस्तों, अगर आप लोगों को इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए तो इस वीडियो पे 50,000 लाइक या 5,000 कमेंट करा दो, मैं तभी इसका सेकंड पार्ट लिख दूं और आप लोगों के लिए पेश हो जाएगा। तो मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।